ब्यावर के अमृतगढ़ स्थित निजी अस्पताल जय क्लिनिक में जुलसी हुई मासूम बच्ची कनक पंडित के साथ अमानवीय तरीके से किए गए आचरण का वीडियो सामने आने और उपचार में लापरवाही का कारण उसकी मौत हो जाने से शहर के नागरिकों में खिलाफ लगातार जबरदस्त रोष व्याप्त होता जा रहा है। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को वाल्मीकि समाज के आह्वान पर सर्व समाज के नागरिक जय क्लिनिक के बाहर एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने मृतका कनक पंडित की तस्वीर पर माला चढ़ाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। जय क्लिनिक के बाहर धरना शुरू होने की जानकारी के बाद सिटी थाना प्रभारी हनुमान राम के सानिध्य में पुलिस जाप्ता क्लिनिक के बाहर पहुंच गया। इस दौरान आक्रोशित वाल्मीकि समाज के लोगों ने दोषी कर्मचारियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जय क्लिनिक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान समाज सेवा में अनेक प्रकल्पों से जुड़े हुए समाज नेता अजय शर्मा ने कहा कि जय क्लिनिक में हुए अमानवीय कृत्य की पूरे शहरवासियों को पीड़ा है। एक अबहुत बच्ची के साथ जिस हैवानियत के साथ लापरवाही बरती गई, वह सहिष्णु और धर्मपरायण नगर के माथे पर कलंक है। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज की महिलाओं और पुरुषों ने भी जय क्लिनिक के बाहर प्रकरण को लेकर नारे लगाते हुए आक्रोश जताया। इस दौरान महिलाएं और पुरुष आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग लिखी हुई तख्तियां लिए हुए थे। धरना प्रदर्शन के दौरान गोविंद पंडित, दलपत राज बेबड़ा, आशीष पाल पदावत, रविंद्र दंडावत, ब्रजराज दुर्गत, विजेंद्र प्रजापति सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग भी शामिल रहे। उधर धरना प्रदर्शन के बाद देर शाम को विधानसभा प्रत्याशी पारस पंच और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक राका के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर से मिला और स्वर्गीय सुश्री कनक पंडित की अस्पताल जय क्लिनिक में उपचार के दौरान बरती गई लापरवाही और अमानवीय व्यवहार पर आक्रोश जताया। इस दौरान कांग्रेसजनों ने प्रकरण में तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने की मांग उठाई गई। शिष्टमंडल ने सीसीटीवी फुटेज में सामने आए अमानवीय व्यवहार को लेकर दोषियों के खिलाफ बाल शोषण और अत्याचार का मामला भी दर्ज करने की मांग की। शिष्टमंडल में प्रदेश सेवा दल सचिव सोहन बेवाड़ा, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र पाल पवार, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष राधिका शर्मा, सेवा दल जिलाध्यक्ष विक्रम सोनी, पूर्व सभापति गोविंद पंडित, पार्षद राजेश शर्मा, भरत बाकमार, राजेंद्र तुनगरिया, घनश्याम फुलवारी, राकेश साहू, अजय स्वामी, जीवराज जावा, पूर्व पार्षद बाबूलाल पवार, ओबीसी जिलाध्यक्ष शंभू यादव, राम यादव, एडवोकेट बालकिशन गोठवाल, अशोक मुंदड़ा, सोमदेव साहू, मुकेश लखन, अशोक पंडित, आशीष शर्मा, महेंद्र सिंह रानावत, चिरंजीवी अजमेरा, राजेंद्र तुनगरिया और अनिल शर्मा आदि शामिल रहे। जो वाल्मीकि समाज की एक बच्ची कनक पंडित की ब्यावर के एक प्राइवेट अस्पताल जय क्लिनिक के अंदर इलाज सही ढंग से नहीं करने के कारण मौत हो गई थी, उसके जो फुटेज जो अस्पताल से जो आए हैं उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अमानवीय कृत्य इस बच्ची के साथ किया गया है। और बच्ची जयपुर से सकुशल लौटी थी, पता नहीं किन कारणों से बच्ची की मृत्यु हो गई। इसकी जांच के लिए हमने आज जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है सब, इसकी जांच अच्छे तरीके से हुए, बिल्कुल निष्पक्ष जांच हुए और इसमें बर्न स्पेशलिस्ट जांच कमेटी में नहीं थे तो बर्न स्पेशलिस्ट को भी जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं उनसे उनको भी इसमें ऐड करने के लिए निवेदन किया। साथ ही बच्ची का जो निर्धन परिवार है उनको राज्य सरकार से कोई उचित मुआवजा दिलाया जावे, ये हमने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया। जिलाधीश महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जांच भी निष्पक्ष होगी और साथ ही राज्य सरकार का भी अगर कोई ऐसा प्रावधान होगा या जिलाधीश महोदय का मैं प्रयास करूंगा व्यक्तिगत तौर पे कि कोई कोई मुआवजा इस परिवार को मिल जाए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावर, ब्यावर की पूरी कांग्रेस, समस्त पार्षद गण सब जने मिलकर यही मांग करते हैं कि बच्ची के परिवार को न्याय मिले और बच्ची जो अकाल मौत की जो हुई है उसके लिए उस परिवार को सांत्वना मिले, ये हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस दुख को सहन कर सके। उधर मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर के निर्देश के बाद सीएमएचओ एसपी मीणा के नेतृत्व में चार चिकित्सीय टीम का गठन कर जय क्लिनिक के चिकित्सक एवं स्टाफ के बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है। जल्द ही गठित टीम द्वारा कलेक्टर तोमर को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। राजकीय अमृतकर अस्पताल में आयोजित एक बैठक के दौरान पीड़ितों और आरोपियों के बयान भी दर्ज हुए। बैठक के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर एसपी मीणा के निर्देशन में एक जांच कमेटी बैठाई गई जिसमें डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर हरीश अडवाणी, डॉक्टर पुखराज चौधरी, डॉक्टर एमएस चांदवत और प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ अजमेर डॉक्टर निपु विद्यार्थी को शामिल किया गया। चार सदस्यीय टीम शीघ्र ही प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।